नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर में व्यापारियों को धरना, आज लुटेरे के नहीं पकड़े जाने से नाराज व्यापारी मुरार सराफा बाजार में देंगे धरना। ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना, मुरार, मोहना, झांसी रोड और गोला का मंदिर सहित शहर के अन्य सराफा कारोबारियों से हुई लूट की वारदात को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी आक्रोश है। शनिवार को सोना चांदी व्यापारी संघ सहित अन्य व्यापारियों ने लुटेरे को पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो सोमवार को खत्म हो गया। मंगलवार को ग्वालियर और मुरैना के व्यापारियों ने एक साथ मिलकर पैदल मार्च निकालकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद एसपी मुरैना को ज्ञापन दिया है। व्यापारियों का यह चरणबद्ध आंदोलन का पहला दिन था। अब आंदोलन के दूसरे दिन बुधवार 14 फरवरी को व्यापारी ग्वालियर के मुरारा सराफा बाजार में एकत्रित होकर वहां धरना देंगे। इसके बाद उपनगर ग्वालियर और अगले दिन लश्कर सराफा बाजार में प्रदर्शन करेंगे। 17 फरवरी को व्यापारी बैठक कर आंदोलन में आगे की रूपरेखा तय करेंगे। आरोपी नहीं पकड़े जाने तक करेंगे आंदोलन। आंदोलन को लेकर ऑफ कॉमर्स में हुई बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि 31 जनवरी को मुरार के सराफा कारोबारी राहुल गोयल के साथ बागचीनी थाना मुरैना में उन्हीं के कर्मचारियों की मिलीभगत से लूट हुई थी। इसमें आरोपी नामजद है, इसके बावजूद भी वह पकड़े नहीं गए। ग्वालियर में हुई लूट की एक और घटना तथा मोहरा के व्यवसायी के साथ हुई घटना के आरोपी नहीं पकड़े गए। व्यापारियों में है आक्रोश। चेंबर के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने आक्रामक ढंग से आंदोलन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बंद से कुछ नहीं होगा, हमें निर्धारित आंदोलन करना होगा कि कब तक नेताओं से मेल मिलाप कर ज्ञापन देते रहे। बैठक में मोहना के सराफा कारोबारी ने कहा कि उनसे सोना चांदी बदमाशों ने लूटा था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में 3.5 लाख रुपए ही लिखा। उनसे जब पूरी रकम लिखने के लिए कहा तो वो उल्टा समझाते हुए बोले कि कम राशि लिखाओ, वरना आयकर अधिकारी परेशान करने लगेंगे। इस तरह चल रहा व्यापारियों का आंदोलन। 13 फरवरी मुरैना एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। 14 फरवरी मुरार के सराफा बाजार में धरना प्रदर्शन आज। 15 फरवरी उपनगर ग्वालियर सराफा बाजार में धरना। 16 फरवरी लश्कर सराफा बाजार में धरना। 17 फरवरी पुनः चेंबर भवन में समीक्षा बैठक करके आंदोलन की आगामी रूपरेखा बनाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।